मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन भी आपका एक फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं कि रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन जो होता है वो आपका एनर्जी का ट्रांसमिशन या फिर एमिशन, मतलब कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसमिशन या फिर किस एमिशन मतलब निकलना, ठीक है। एमिशन होता है वेव्स के फॉर्म में या पार्टिकल्स के फॉर्म में स्पेस में। ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है इस रेडिएशन को यूज करके, इसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें आपको किसी तरह का कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या है और पेनिट्रेशन पावर क्या है, रेडिएशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो आपका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो जो रेडिएशन होता है वो आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डीएनए सिंथेसिस और रिपेयर में इंटरप्शन करता है, ठीक। डीएनए जो होता है वो ब्रेक हो जाता है या फिर डिपोलमराइज हो जाता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी वजह से हो जाते हैं। तो जो इनकम्प्लीट रिपेयर होता है डीएनए डैमेज की वजह से, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या म्यूटेशन की वजह से जिस भी प्रोटीन की जरूरत है उसकी जगह आपको कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है या नए प्रोटीन्स बन जाते हैं जो कि सेल को सर्वाइव नहीं करने देते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि आपको 2537 आंगस्टॉम के रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिविटी पोजेस करता है, जिसमें कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर पाता है। और ये रेडिएशन जो होता है वो बेसिकली आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है एसेप्टिक एरियाज और रूम्स को मेंटेन करने के लिए, और वहां पे जो एयर बर्न कंटामिनेशन होता है उसको रिड्यूस करने में आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। इसका जो पेनिट्रेशन पावर चूंकि नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ये आपको जो सर्फेसिस होते हैं, जो एक्सपोज सर्फेसिस होते हैं, वहां के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजिली किल कर पाता है। ये आपको सोर्स होता है आर्टिफिशियल यूवी रेडिएशन का, जो सोर्स होता है वो है यूवी लैम्प्स। और इसमें क्या होता है, रेज जो होते हैं वो सेल के न्यूक्लिक एसिड के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डैमेज हो जाता है और एब्जॉर्प्शन और सब्सिक्वेंट रिएक्शन जो होते हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड के पायरिमिडीन्स में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जिसकी वजह से पायरिमिडीन डाइमर फॉर्म हो जाते हैं और इस तरह से आपके टू एडजेसेंट पायरिडीन आपके अटैच हो जाते हैं डीएनए मॉलिक्यूल से, जो कि आपके डीएनए का डिफॉर्मेशन कर देता है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपको सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये मेथड यूवी रेडिएशन मेथड जो होता है वो आपको यूज होता है उन वायरसेस को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं होमोलोगस सीरम जॉन्डिस के लिए, ब्लड सीरम में उन वायरसेस को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही ये जो वैक्सीन प्रोडक्शन के टाइम जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक। ये यूवी रेडिएशन ऑल्सो आपको यूज होता है जो भी आपके स्टेराइल फिलिंग एरियाज जो होते हैं एंटीसेप्टिक के, उनके अंदर जो रेडिएशंस और अंदर आ रही होती है बाहर जा रही होती है वहाँ पे यूज होते हैं ये मेथड आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे ए सेप्सिस मेंटेन करने के लिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए, और हॉस्पिटल स्कूल्स में ये क्रॉस इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको यूवी रेडिएशन का यूज होता है। सेकेंड है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। ये जो होते हैं आपके डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं चार्ज पार्टिकल से या फिर इनडायरेक्टली गामा रेज से, ठीक। इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आपका आता है एक्स रेज, गामा रेज और कैथोड रेज।
रेडिएशन जो होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, वो आपके डीएनए के लिए हाईली लीथल होते हैं और जो अदर वाइटल सेल कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको भी ये बहुत डैमेज करते हैं। पहले है एक्सरेज, ये इनके पास एक कंसिडरेबल एनर्जी होती है और पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, पर ये आपको बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत केयर के साथ इसे हैंडल करना पड़ता है। गामा रेज जो होती है उसके पास हाई एनर्जी होती है और शॉर्टर वेव लेंथ होती है एज कम्पेयर टू एक्सरे, और ये आपको स्टेलाइजेशन के लिए आइडियल होता है, मतलब ये गामा रेज का आपका यूज होता है स्टेलाइजेशन के लिए बल्क मटेरियल जैसे कि पैकेज फूड, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा के लिए, क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, एबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। माइक्रोसाइडल का मतलब होता है किल करना। कैथोड रेस जिसे कि इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन भी कहते हैं, ये आपके जनरेट होते हैं वेन डी ग्राफ एक्सीलेटर के थ्रू, और ये आपको जो कंटिन्यूस प्रोसेस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, मतलब कि इफेक्टिव मेथड होता है। ये यूज होते हैं आपको स्टरलाइज करने के लिए जो कैटगट सूचर्स होते हैं या फिर प्लास्टिक एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स होते हैं, विटामिन, एंटीबायोटिक हार्मोन्स को ड्राई स्टेट में स्टरलाइज करने के लिए आपको कैथोड रेज का यूज किया जाता है। हम देखेंगे कि रेडिएशन जो हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के, उसके बेसिक क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो रेडिएशन बेस्ड स्टरलाइजेशन जो होता है वो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देता है आपके जो ट्रेडिशनल केमिकल और हीट बेस्ड स्टरलाइजेशन होते हैं उसके कंपैरेटिव। सबसे पहला है उसमें टर्मिनल प्रोसेसिंग, क्योंकि इनकी जो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं उनकी पेनिट्रेशन डेप्थ जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये आपको उन प्रोडक्ट्स को भी फुल्ली को भी स्टरलाइज कर सकते हैं जो कि फुली सील्ड हो या फिर फाइनल पैकेजिंग में हो, तो जिसकी वजह से जो कंटामिनेशन होता है स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान उसके रिस्क को भी ये कम कर देते हैं। सेकेंड है कि ये कोल्ड मेथड या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टरलाइजेशन जब हम रेडिएशन के थ्रू करते हैं तो किसी तरह का कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए इसे कोल्ड मेथड भी कहते हैं। तो जैसे ही इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है ट्रीटमेंट के दौरान जब हम कोई मेथड यूज कर रहे थे, वो इसमें मिनिमल होता है और ये हीट पे डिपेंडेंट नहीं होता है और ये आपको हर तरह के टेम्परेचर पे इफेक्टिव होता है, मतलब कि जो मॉडरेट टेम्परेचर है उस पे भी और जो एकदम मिनिमम टेम्परेचर है उस पे भी, और ये कंपैटिबल होता है उन मटेरियल्स के लिए भी जो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। दूसरा है केमिकल इंडिपेंडेंस, ये किसी तरह का कोई भी वॉलेटाइल या टॉक्सिक केमिकल्स आपको रेडिएशन स्टरलाइजेशन के टाइम पे यूज नहीं होता है, और ये किसी तरह का कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है स्टरलाइजेशन के बाद। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, जो रेडिएशन जो होते हैं वो आपको किसी भी फेज में, मतलब गैसियस, लिक्विड या सॉलिड मटेरियल्स में प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर सकते हैं, किसी भी डेंसिटी, साइज या थिकनेस के प्रोडक्ट को भी स्टरलाइज कर सकते हैं, होमोजीनस हेटरोजीनस सिस्टम्स को भी इजीली ये इनके थ्रू हम स्टरलाइज कर सकते हैं, और स्टरलाइजेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे आपके रेडिएशन प्रोसेस से हो सकता है। उसके बाद है टाइम एफिशिएंसी, जो इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन होता है वो आपको सेकंड से मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए काफी हद तक हमारा टाइम सेविंग स्टरलाइजेशन मेथड होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है आपका स्टरिलिटी एश्योरेंस लेवल, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है और ये पूरे अंदर तक आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्पफुल होता है, तो लेस देन 1% माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही आपके बचे होंगे कि वो सर्वाइव कर जाए इस मेथड से, वरना इसमें आपको टोटल स्टेरिलिटी की एश्योरेंस होती है। तो इसमें जो होता है वो सिंगल वेरिएबल एक्सपोजर डोज और टाइम ही आपको मॉनिटर करना होता है, जिसकी वजह से रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो होता है वो सिंपल और बहुत इजी होता है कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं कि रेडिएशन स्टरलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो आपका बहुत हाई होता है, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट्स काफी कॉस्टली होते हैं और स्पेशलाइज फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। गामा रेडिएशन जो होता है वो आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर
की जरूरत पड़ती है उसके लिए, ई बीम और एक्सरे रेडिएशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। सेकेंड है आपका प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। ये डिसएडवांटेज है कि जो रेडिएशन बेस्ड मेथड्स होते हैं वो आपके सारे मटेरियल्स के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होते हैं, और कभी कभी वो पैकेजिंग मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कॉज कर सकते हैं, मतलब उन्हें डैमेज कर सकते हैं। कॉमन प्लास्टिक जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, एसिटिल एंड पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन के लिए, गामा रेडिएशन के लिए। इसमें हाई एनर्जी इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन की, जिसकी वजह से चेन सीजन यानी कि जो लॉन्ग चेन बैकबोन्स होते हैं प्रोडक्ट्स के वो ब्रेक हो सकते हैं और केमिकल क्रॉस लिंकिंग हो सकती है जो अगर पॉलीमर्स पैक्ड हो तो। थर्ड डिसएडवांटेज है कि जो गामा रेडिएशन होता है वो आपको आयोनाइजेशन सोर्स के रूप में यूज होता है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए, उसको हैंडलिंग और की बहुत जरूरत पड़ती है, और उसके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनके डिस्पोजल की भी एक इशू होता है। अब आपको रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन बेसिकली कहाँ यूज होता है, तो जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं वो यूज होते हैं आपको इंजेक्शन प्रोडक्ट्स जो होते हैं एंटीबायोटिक विटामिन्स के, उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए। उसके अलावा ये यूज होते हैं जो आपके वायरसेस के इनएक्टिव सस्पेंशन होते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीनिया पोलिमाइटिस और रेबिस के वैक्सीन के लिए, उनको स्टेरिलाइज करने में ये काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये था अबाउट आपका कि कैसे हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं रेडिएशन यूज करके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।